In the strokes of my brush, I find my world at Singhania Educational Institute, where colors speak my thoughts and the canvas listens. Her painting isn't just an art. It's the language of my imagination, nurtured and celebrated. Singhania Educational Institute, cultivating knowledge. 14 जनवरी पूर्वोत्तर भारत के मणिपुर से शुरू हुई कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा 42वें दिन यूपी के मुरादाबाद शहर पहुंची तो उनकी बहन प्रियंका गांधी भी रोड शो में भाई के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी नजर आई। मुरादाबाद में जामा मस्जिद चौराहे से शुरू हुई भारत जोड़ो न्याय यात्रा करीब 2 किलोमीटर दूर संभल चौराहा पर थम गई, जहां पर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने जनसभा को संबोधित किया। इस मौके पर भारी भीड़ देखी गई। प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा इसी मुरादाबाद के निवासी हैं और उनका परिवार बर्तन के कारोबार से जुड़ा रहा है। अपनी ससुराल में जनसभा को संबोधित करते हुए प्रियंका गांधी ने मोदी योगी सरकार पर जमकर निशाना साधा। इस दौरान उन्होंने भाजपा सरकार के बार बार आने पर भी कुछ नहीं बदलाव होने का आरोप लगाया। प्रियंका गांधी ने किसान आंदोलन, बुलडोजर, बेरोजगारी और महंगाई जैसे मुद्दों पर मोदी योगी सरकार को घेरा। देखो, चुनाव फिर से आ रहा है कि नहीं, फिर से आपको अपना मत डालना पड़ेगा। अब आप खुद ही देख रहे हो बार बार भाजपा की सरकार आ रही है, केंद्र में आ रही है, प्रदेश में आ रही है। आपकी बेरोजगारी बढ़ रही है, आपकी मुश्किलें बढ़ रही हैं। तब किसान आंदोलन कर रहे थे 2 साल पहले, आज किसान आंदोलन कर रहा है। तब सड़क पे बैठे थे ठंड में सर्दी में, आज बैठे हैं। तब उनकी सुनवाई नहीं थी, आज उनकी सुनवाई नहीं है। और इसी तरह से आप सोचिए, जब जब बुलडोजर चलता है इनका, तो किसके घरों पे चलता है? जोर से बोलो। जिसने 6 किसानों को अपनी जीप के नीचे कुचला, उसके घर पे क्या बुलडोजर चला? जिसने महिलाओं के साथ अत्याचार किया, उसके घर पे बुलडोजर चला? जो ये पेपर लीक के घोटालों से पैसे खाए जा रहा है, उन लोगों के जिन्होंने पैसे खाए हैं, जो बार बार ये घोटाला करते हैं, बार बार लीक कराते हैं, उनके घरों में बुलडोजर चला? नहीं चला ना। सोचिए, ये सब बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं दिखावे के लिए। ये जितने बड़े बड़े इश्तिहार आपको दिखते हैं, जिसमें आपको दिख रहा है कि बहुत तरक्की हो रही है, जब तक आपकी तरक्की नहीं होगी, जब तक आपको रोजगार नहीं मिलेगा, जब तक आपके पेपर लीक बंद नहीं होंगे, तब तक आपकी तरक्की नहीं हो सकती है। जब तक यहाँ की महिलाएं सुरक्षित ना हो, आगे बढ़ नहीं पाए, तब तक आपकी तरक्की नहीं हो रही है। बहन का साथ मिलने से राहुल गांधी अलग ही तरह जोश में दिखे। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भटकाने का आरोप लगाते हुए कहा, मोदी ध्यान भटकाते हैं और जब ध्यान भटक जाता है तो पीछे से अडानी लोगों की जेब काट लेते हैं। भैया, नाम क्या आपका? आयुष कौशिक जी है। नमस्कार करो जरा। अब बताओ मुझे एक बात, अभी बुलाएंगे। आयुष जी से नहीं पूछ रहा मैं, आपसे पूछ रहा हूं। आयुष जी जरा इधर देखिए। अब मान लो अगर हमें आयुष जी की जेब काटनी हो, मान लो हमने सोचा कि भैया आयुष जी की जेब काटो, सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? हाँ, सबसे पहले भैया आयुष जी उधर देखो जरा। हाँ, वो देखो भैया, ये देखो, इधर देखो जरा भैया, वो ऊपर देखो, फ्लाईओवर की ओर देखो जरा। ये पहले ये करना पड़ेगा, पहले इसका ध्यान भटकाना पड़ेगा। सही, ये काम आपके लिए नरेंद्र मोदी जी करते हैं। भाई और बहनों, वो उधर देखो, भाई और बहनों इधर देखो, भाई और बहनों ऊपर देखो, भाई और बहनों नीचे देखो। अब उसके बाद क्या चाहिए आपको? उसके बाद कौशिक जी जरा घूमिए जरा,
उसके बाद जब उसका ध्यान चला जाएगा पीछे से कोई आएगा, है ना, किसी को आना पड़ेगा। वो कौन है भैया? वो अदानी है, वो अंबानी है, ठीक है। अब मान लो ध्यान भटका दिया और पीछे से जेब काट दी, तो तीसरी किस चीज की जरूरत है? हाँ भैया, मुझे ये डंडा लाठी देना जरा, ये झंडा उतारो इससे, नहीं इससे काम चलेगा, छोटा नहीं चाहिए बड़ा चाहिए ये। और ये तो पहला जो ध्यान भटकाता है नरेंद्र मोदी जी, दूसरा जो जेब काटा है काटता है अदानी जी, और तीसरा जो डंडा लिए घूमता है अमित शाह। कही भैया तुम लोगों ने कुछ किया? जब ईडी आई, सीबीआई आए, इनकम टैक्स आई, पुलिस वाले आए, तो कुछ किया, तो फिर देखो कैसा डंडा लगता है। आयुष जी धन्यवाद आपका। प्रियंका गांधी ने जहां सवाल उठाया कि भाजपा सरकार के 10 वर्षों में लोगों को क्या मिला, तो राहुल गांधी ने एक बार फिर अग्निवीर योजना पर सवाल खड़ा किया। अपने अनुभव को देखो, अपने अनुभव को देखो कि भाई 5 सालों में 10 सालों में मिला क्या है। नौकरी मिली, दुकान जाते हो तो सब्जी खरीद पाते हो, आपको मालूम है गन्ने का जो दाम है, जो आपको मिलना चाहिए सरकार से, वो हर साल पिछले 7 सालों में हर साल सिर्फ मात्र 7 रुपए गन्ने का दाम बढ़ा है कि नहीं? 7 रुपए, ठीक है, तो मान लो 5 सालों में 35 रुपए बढ़ा होगा। और आप जब सब्जी खरीदने जाते तो कितने बढ़ गए दाम? आलू मिलता है, प्याज मिलती है, टमाटर मिलता है। आप जाते हो 3 चीजों को लेने के लिए, घर आते हो 1 लेके। तो भाई देखो, जब तक आपको खुद समझ में नहीं आएगा, जब तक आप अपने अनुभव पर नहीं उतरोगे, तब तक कुछ नहीं बदलने वाला। हम चीखते चिल्लाते जाएंगे, कुछ नहीं बदलेगा। बदलाव तब आएगा जब आप अपनी परिस्थितियों को समझकर अपना वोट डालोगे, जब आप सवाल उठाओगे सरकार से कि मुझे सब्जी क्यों नहीं मिल रही है, इतनी महंगाई क्यों है, मेरा बच्चा पढ़ता है, मेहनत करता है, उसको नौकरी क्यों नहीं मिल रही है। जब तक ये सवाल आप नहीं उठाएंगे, जब तक इन परिस्थितियों को देखते हुए आप अपना वोट नहीं डालेंगे, तब तक आप इसी खाई में डूबे रहोगे। इसीलिए मैं आपसे कहना चाहती हूँ, इस खाई में से निकलो। जब वोट डालने जाते हो, सोच समझ के अपना वोट दो। कांग्रेस पार्टी के पास योजनाएं हैं, करके दिखाया है, और आप सब अपने ही अनुभव से ये चीज समझते हैं। तो आज आपके बीच आकर मैं सिर्फ इतना कहूंगी कि जो भी वोट आप डालने जा रहे हो, बड़ी बड़ी बातों पे मत डालो, जो ऊपरी दिखावा है उस पे मत डालो, जो तुम्हारी जिंदगी में गुजर रहा है, जो तुम्हारा जीवन है, तुम्हारा अनुभव है, तुम्हारी परिस्थिति है, उसको सोच, उसको समझ के कि ये क्यों हो रहा है आपके साथ, तब वोट डालो। आपको कहा जाता है कि भाइयों और बहनों, एक दूसरे से नफरत करो। एक धर्म को दूसरे धर्म से लड़ाया जाता है, एक जात को दूसरी जात से लड़ाया जाता है, एक भाषा को दूसरी भाषा से लड़ाया जाता है। और फिर जो आपका धन है, 24 घंटा आपसे वो धन लूटा जाता है। मुझे बताओ हिंदुस्तान के एयरपोर्ट किसके हाथ में है? मुझे बताओ हिंदुस्तान के बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जो दिए जाते हैं किसको दिए जाते हैं? मुझे बताओ हिमाचल के सेब किसके हाथ में जाते हैं? मुझे बताओ हिंदुस्तान के सबसे पोर्ट, बड़े पोर्ट किसके हाथ में है? मुझे बताओ अग्निवीर योजना क्यों की गई? क्योंकि जो आपका रास्ता था, 90% का रास्ता था, उसको बंद करना था। और अदानी जी को जो कॉन्ट्रैक्ट, हथियार के कॉन्ट्रैक्ट देने थे, वो सारे के सारे
इस सरकार ने दिए अदानी जी को, तो आपको जागरूक होना है। राहुल गांधी ने पिछड़े दलित आदिवासी और अल्पसंख्यकों को उनकी आबादी के अनुपात में भागीदारी न मिलने का भी सवाल उठाया। मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, इस देश में पिछड़ों की कितनी आबादी है? 50% पिछड़े हैं। इस देश में माइनॉरिटी की कितनी आबादी है? 15% माइनॉरिटी है। इस देश में दलित कितने? दलित भाई 8% नहीं 15%, और आदिवासी कितने? 8%। जोड़ के बताओ मुझे, 50 और 15 कितना हुआ? 65। 65 और 15 80। 80 और 8 88। भाई और बहनों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ये जो 90% जनता है इस देश में, दलित आदिवासी पिछड़े माइनॉरिटी, इनको इस देश में कितनी भागीदारी मिल रही है? यह सबसे बड़ा सवाल है। आप सबसे बड़ी कंपनियों की लिस्ट निकालो, 200 कंपनियां सबसे बड़ी वाली, उसमें 90% का एक मालिक मुझे दिखा दो। आपको एक मालिक 90% का नहीं मिलेगा। उसके बाद आप मैनेजमेंट टीम में की लिस्ट निकालो, उसमें आपको 90% का एक नहीं मिलेगा। फिर आप कहो ठीक है, 90% हिंदुस्तान की कंपनी का मालिक नहीं बनने चाहते, मैं नहीं कहता, मगर आपने मान लियो, कह दिया, तो फिर मैं आपसे पूछूंगा, भैया ठीक है, 90% के मीडिया में कितने? मीडिया में कितने? एक नहीं है। आप मीडिया के मालिकों की लिस्ट निकालो, आपको एक ओबीसी नहीं मिलेगा, एक दलित नहीं मिलेगा, एक आदिवासी नहीं मिलेगा, एक गरीब जनरल कास्ट का नहीं मिलेगा, एक माइनॉरिटी नहीं मिलेगा। फिर बड़े बड़े पत्रकारों की लिस्ट निकालो, 90% में से आपको एक नहीं मिलेगा। फिर आप मुझसे कहोगे नहीं राहुल जी, 90% को ना मीडिया में भागीदारी चाहिए, ना हमें बड़ी कंपनियों में भागीदारी चाहिए। फिर मैं आपसे पूछूंगा, ठीक है भैया बताओ, प्राइवेट अस्पतालों में आपके कितने लोग? एक भी नहीं। फिर पूछूंगा, भैया ठीक है, प्राइवेट अस्पतालों में भागीदारी नहीं चाहिए, तो कॉलेज यूनिवर्सिटी में तुम्हारे कितने लोग? एक भी नहीं। अरे भाई, तुम लोग हो कहां? तुम हो कहां? मैं बताता हूं तुम्हें, मनरेगा की लिस्ट निकालो, उसमें आप सब लोगों के नाम दिखेंगे। कॉन्ट्रैक्ट लेबर की लिस्ट निकालो, उसमें आपके सब नाम दिखेंगे। मगर हिंदुस्तान के बड़ी बड़ी कंपनियों में, हाई कोर्ट में, मीडिया में आपके नाम नहीं मिलने वाले। ये सब का हिंदुस्तान कैसे है अगर इसमें 90% लोगों को कोई भागीदारी नहीं मिल रही? हमने मैनिफेस्टो में साफ लिखा है, मैं आपको रास्ता भी बता देता हूं, अगर 90% को भागीदारी चाहिए तो पहला कदम, जैसे जब हार्ट टूटता है पहला कदम क्या कराते हो आप? एक्सरे कराते हो ना, तो वैसे ही पहला कदम जाति जनगणना है। इससे क्या होगा, 90% को पता लग जाएगा कि आप कौन हो, कितने हो, और सबसे ज्यादा जरूरी, आपके हाथों में हिंदुस्तान का कितना धन है। रोड शो के दौरान खुली जीप पर सवार दोनों नेताओं का भारी भीड़ ने जिंदाबाद के नारे लगाते हुए स्वागत किया। बदले में राहुल और प्रियंका भी जनता का अभिवादन करते नजर आए। तय कार्यक्रम के अनुसार यह यात्रा मुरादाबाद से अमरोहा होते हुए शाम को बुलंदशहर पहुंच जाएगी। खबर आपकी, नजर हमारी, देखते रहिए आई इंडिया।